नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। तालिबान से प्रताड़ित अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए अल्पसंख्यकों को सरकार अब जल्द नागरिकता देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, इसके लिए नागरिकता संशोधन कानून के लिए कट ऑफ डेट में भी बदलाव लाया जा सकता है। इस मामले में शीर्ष स्तर पर कानूनी राय लेने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा और ऐसे में सीए के प्रावधानों के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकती है। दरअसल अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का कब्जा होने के बाद खासतौर पर वहां के सिख गंभीर मुसीबत में हैं। और दो दिन पहले अफगानिस्तान के दो सिख सांसदों सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों को भारत लाया गया था। ऐसे में सरकारी सूत्रों के अनुसार सीए में बदलाव को संभव बनाने के लिए शीर्ष स्तर पर कानूनी राय लेने की तैयारी शुरू हो गई है और बदलाव के लिए अध्यादेश को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में सीए को कानूनी जामा पहनाने के लिए 20 महीने बाद 20 के लिए नियम अब तक तैयार नहीं हो सके हैं। गृह मंत्रालय ने नियम तय करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से 9 जनवरी 2022 तक का समय भी मांगा है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि अब इसी प्रक्रिया में अफगानिस्तान के सिख शरणार्थियों को त्वरित नागरिकता देने के लिए विचार विमर्श होगा। अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में भी खतरे की आशंका बढ़ गई है। इसीलिए राज्य में आतंकियों और उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ चुकी सरकार सुरक्षा तंत्र को दुरुस्त करने में जुटी हुई है ताकि देश के में दुश्मन अब दोबारा फिर से पनप नहीं उठा सके। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच लंबी बैठक हुई जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। बता दें, बैठक में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही विकास योजनाओं को गति देने और कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने पर विस्तार से चर्चा भी हुई। हालांकि मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर फिलहाल कोई भी असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर पहले से तैयारी जरूरी है। और उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में तालिबान या अफगानी आतंकियों का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा है, परंतु अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से सीमा पर बैठे आतंकी आकाओं और घाटी में मौजूद उनके समर्थकों को दुस्साहस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में कोरोना की स्थिति भले ही पहले से के मुकाबले ठीक दिख रही हो, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी हां, केरल उन राज्यों में से एक है। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में लगातार बढ़त के बाद सरकार ने उन जिलों में टेस्ट में तेजी लाने का फैसला किया है जहाँ टीकाकरण कम संख्या में हुआ है। एक और जहाँ पहले दो महीने में राष्ट्रीय स्तर पर TPR 3% से नीचे रही, वही केरल में लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में केरल में ये दर 10% से 18% पर एक महीने में जा पहुंची है। आपको बता दें कि बीते दिन राज्य में 24,296 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वायनाड, पठान, मिथता, त्रिवंतपुरम और एर्नाकुलम में बेहतर टीकाकरण कवरेज है और इन चार जिलों में केवल सिस्टम होने पर ही लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। और ऐसे में इन जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के 70% से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक भी मिल चुकी है। वहीं 10 जिलों में तेजी से जाँच की जाएगी जहाँ टीकाकरण 70% से कम हुआ है। तो ऐसे में बता दें, देश में जहाँ कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, वहाँ केरल में मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। इसीलिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बड़ा फैसला लिया है और टेस्टिंग की वहाँ पर ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ा दी है जहाँ पर लोगों को ज़्यादा टीका नहीं लगा है। और ऐसे में चार जिले उनमें शामिल हैं जहाँ पर टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयानों से एक बार फिर से वो चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने दरअसल महंगाई को लेकर कांग्रेस की मानसिकता और प्रोपेगेंडा बताया है।
प्रज्ञा ने मंगलवार को कहा कि महंगाई और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस का दुष्प्रचार है। ये लोग सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगा और कुछ नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है, फोकट का प्रोपोगंडा है। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तौर पर एक पब हाउस लोकार्पण किया उसका, और बीएमसी के संभावित वाली कंपनी की नई सिटी बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर ने प्रदूषण को घातक बताते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शहरों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में पुराने वाहन चलाए जाते थे। उन्होंने कहा कि पुराने दौर में नगर परिवहन पहिया डीजल में बैठने के बाद चेहरा साफ करने पर रुमाल काला हो जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदूषण की चिंता कर रहे हैं और शहर में प्रदूषण मुक्त वाहन चलाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने ठाकुर से इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने 26 अगस्त को यानी कि कल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर किसान मोर्चा ने 26 और 27 अगस्त को सिंगू बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन की घोषणा कर दी है। इसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन के देश भर में आंदोलन को फैलाने पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में मोर्चा ने बताया है कि 5 सत्र में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल करेंगे, और ऐसे में 26 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ये 3 सत्र होंगे। इनमें औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। साथ ही 27 अगस्त को 2 सत्र होंगे जिनमें महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान किसान आंदोलन की वजह से और इसके सभी वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि अधिवेशन में 20 राज्य में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, और इनमें किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों, आदिवासी जनता और औद्योगिक मजदूरों, महिलाओं और छात्रों, छोटे व्यापारियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, अध्यापकों, चिकित्सकों, वकीलों के बीच में काम करने वाले संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। बता दें किसान साल 2021 का बिजली बिल वापसी लेने की भी मांग करेंगे, और ऐसे में 2 दिवसीय सत्रों में 3 लेबर कोड, मनरेगा, ईंधन और खाद के दामों में वृद्धि, महिलाओं पर हमले, शिक्षा के निजीकरण, राशन व्यवस्था के संकट, आदिवासियों का विस्थापन और वन संरक्षण कानून, छोटे दुकानदारों पर संकट, भूमि अधिग्रहण और भूमि के अधिकार पर भी चर्चा की जाएगी। तो बता दें कल यानी कि 26 अगस्त को किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। 9 महीने पहले से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, और ऐसे में अब 26 और 27 अगस्त को किसानों की तरफ से सत्रों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 26 यानी कि कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सत्र चलेगा किसानों का, जिसमें 3 बार ये सत्र होगा। ऐसे में कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर और एमएसपी को लेकर, सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि अब इस आंदोलन को पूरे देश में कैसे फैलाया जाएगा इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। 9 महीने कल पूरे हो जाएंगे किसान आंदोलन को चलते हुए। पंजाब कांग्रेस के अंतकलह अभी भी थमी नहीं है। दरअसल सिद्धू खेमे के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी है और उनको पद से हटाए जाने की आवाज उठा दी है। जी हां, 4 कैबिनेट मंत्री और 21 विधायकों ने बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री और मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 मंत्रियों और नाराज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति भी बनाई। ऐसे में बैठक के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पूरी स्थिति के बारे में आलाकमान को जानकारी दी जाएगी, और ऐसे में दरअसल अचानक हुए घटनाक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 कैबिनेट मंत्री और 20 विधायक मंत्री
ब्रजेंद्र बाजवा के आवास पर जमा हुए थे और उनकी बैठक हुई थी। इन बागी मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है। बागी विधायकों और मंत्रियों का 5 सदस्य एक शिष्टमंडल पार्टी हाईकमान से भी मिलेगा और ऐसे में मुख्यमंत्री को बदलने की मांग भी की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री को बदलने की मांग को लेकर बागी मंत्री खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं और दबी जमा से कह रहे हैं कि हाईकमान से मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की जाएगी। दरअसल पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के बता दें 80 विधायक हैं और ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे वाले विधायक ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाए। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में मंगलवार शाम को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश में पूर्वी हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत और पश्चिमी तट पर हल्की बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 27 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है और इसके साथ आने वाले दिनों में असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। ऐसे में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त तक इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी और इसके बाद बारिश कम हो जाएगी और अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में जमकर बारिश होगी और इसी बीच 26 से 28 अगस्त को केरल और माही में हल्की बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार यानी कि आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा और ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और विराट की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार इस मैदान पर खेलने के लिए उतरेगी तो उसकी निगाह जीत पर ही होगी। ऐसे में भारतीय टीम यहां 19 साल पहले यानी कि साल 2002 में खेली थी जब उसने पारी और 46 रन से जीत दर्ज की थी। मौजूदा टीम के किसी भी खिलाड़ी को इस मैदान पर खेलने का अनुभव नहीं है, ये देखना इसीलिए दिलचस्प होगा कि वो कितनी जल्दी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा पाते हैं। वहीं भारतीय कप्तान कोहली से लॉर्ड्स में बड़े स्कोर की उम्मीद भी होगी। ऐसे में पिछले 2 साल से विराट के बल्ले से शतक नहीं निकला है तो विराट ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक नवंबर 2019 में लगाया था और इसीलिए मौजूदा सीरीज की शुरुआत 2 मैचों में वो 40 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं बना पाए थे। वहीं चेतेश्वर पुजारा और उप कप्तान अंजिके रहाणे का फॉर्म भी चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि रहाणे ने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में 60 दिनों का अहम योगदान दिया था और पुजारा और रहाणे के बीच चौके विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी भी हुई थी। यानी कि आज मैच जो है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। गोरखपुर के बठाट ब्लॉक के पिपरी और तलकली में बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। वहीं इस शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा समारोह स्थल पर पहुंचे थे जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान ना तो कहीं सफाई में कोई कमी आनी चाहिए और ना ही किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से कहा कि समारोह में जिन लोगों को आमंत्रित किया जाना है उनकी सूची समय से बन जानी चाहिए और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोगों के जाने के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बता दें इससे पहले 5 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया था।
तो बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल शिलान्यास कार्यक्रम होने वाला है 28 अगस्त को, और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिलान्यास करेंगे, और उससे पहले शिलान्यास से पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के भी आदेश उन्होंने दिए। साथ ही किसी भी तरह से व्यवस्था में कोई भी कमी ना आए, इसको लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में सभी स्कूल पिछले कई महीनों से बंद थे, जो अब सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। वहीं महीनों बाद स्कूलों में बच्चों की चहल पहल दिखाई दी, साथ ही लंबे समय के बाद स्कूल खुलने से बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश के साथ साथ कोविड गाइडलाइंस भी जारी की है। ऐसे में तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, मुजफ्फरनगर और नोएडा की, जहाँ तीनों ही इन जिलों में स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरों पर भी रौनक देखने के लिए मिली और बच्चे भी काफी खुश नजर आए। और आपको बता दें कि सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया गया, साथ ही बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जाए इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और लगातार तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर सभी स्कूलों के लिए सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि जब हमारे संवाददाताओं ने प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में जाकर देखा तो सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता हुआ भी दिखाई दिया। तो यानी कि ये तीन तस्वीरें आप लखनऊ, मुजफ्फरनगर, नोएडा की देख रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल पूरे यूपी में खुल चुके हैं अब कक्षा 6 से 8वीं तक के, तो बच्चों के चेहरों पर रौनक भी देखने के लिए मिली। हालांकि सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा गया है स्कूलों को, और ऐसे में जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के कई संवाददाता अलग अलग जिलों के अलग अलग स्कूलों में गए और रियलिटी टेस्ट किया, तो वहां पर पाया गया कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन बच्चों से कराया जा रहा है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि पैंडेमिक था, समय क्रूशियल था, सभी के सामने प्रॉब्लम्स आई है, वैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम रही है। तो जैसे आप बता रहे हैं अभी सभी के सामने समस्या थी, तो हमें जैसे स्कूल ऑफ था, मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है, स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जिससे हमारा जो है डोमेस्टिक जो भी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, वो सभी सॉर्ट आउट होती रही है हमारी समय समय पर। लेकिन वो बात नहीं आती है, सभी के साथ समस्याएं आप समझ रहे हैं। जो कोरोना काल में जो हम सब के साथ में हुआ, स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में एक दो साल जो प्रक्रिया जो गई है कोरोना काल की, बहुत खराब स्थिति में गई है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो जो प्राइवेट टीचर्स थे उन पर प्रभाव पड़ा है, उनको पूरी तरह से सैलरी नहीं मिल पाई। और जो रूरल एरिया में है, आप भली बात ही समझते हैं, रूरल एरिया में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। सर, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारा सहज पब्लिक स्कूल जो है, हमारे प्रिंसिपल जो है, फुल प्रिंसिपल सर जो है, उनकी फुल सपोर्ट रही है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या हमारे टीचर्स हो, हमारा स्टाफ जो है उसको टाइम पर उन्होंने सैलरी प्रोवाइड की गई है, ऑनलाइन क्लास दी गई है हमारे स्टूडेंट को सभी को, और जो भी उनको प्रॉब्लम फेस की है उन्होंने घर पे बैठ के वो आके बहुत आराम से हैंडल कर लेते थे। आज काफी समय बाद स्कूल में पहुंचे, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर, सब टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे थे, पर इतना जितना क्लास में बैठ के पढ़ सकते इतना ऑनलाइन नहीं हो सकता। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मेरठ की सिवाल खास विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत से बनने जा रहे अस्पताल का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस अस्पताल में गरीबों का निशुल्क इलाज किया जाएगा। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव के दौरे को लेकर लोगों में कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दिया और पंडाल की ज्यादातर कुर्सियां खाली ही दिखाई दी। अब ये तो हमें जानी जी ने 10 बीघा जमीन का, अभी तो इन्होंने 50 करोड़ का घोषणा की है, और सरकार बना लेंगे तब कौन सी कमी रहेगी?
और जनता ने आश्वासन भी दिया है, उसमें हम इतना कहना चाहते हैं इसमें फ्री इलाज, सस्ता इलाज, किसी को इस क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, अच्छा इलाज ये सब मिलेगा। क्या अभी मैंने कहा समाजवादी पार्टी को कहा, मैंने कहा हमारी प्राथमिकता है एक हो जाओ, मैंने सेकुलर पार्टियों से कहा एक हो जाओ, समान विचारधारा की पार्टियों से कहा एक हो जाओ, इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आसानी हो जाएगी और हटा भी देंगे, इसलिए मैंने कहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टी अपना दांव खेलने की कोशिश में लगी है। वहीं मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का आगमन है, उसी को लेकर के तमाम तैयारियां आप देखेंगे मेरे पीछे चल रही है, प्रोग्राम का आयोजन शुरू हो चुका है और यहाँ पर खास तौर से देखा जा रहा है कि भीड़ को जुटाने के लिए यहाँ जो रागिनी का प्रोग्राम है जिसमें महिला कलाकार है उनको नचाया जा रहा है, डांस कराया जा रहा है, जिससे कि भीड़ यहाँ पर जमी रहे। हालांकि बता दें आपको आज शिवपाल यादव का यहाँ जो प्रोग्राम है वो 4 बीघे में इसी रोड पर एक बड़ा शानदार हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास आज शिवपाल यादव यहाँ पर करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के सिवाल खास की नहर पर, आप तस्वीर में यहाँ देखेंगे शिलान्यास समारोह यहाँ पर रखा गया है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे और यहाँ बाकायदा उनके प्रत्याशी जो यहाँ पर अभी वर्तमान में घोषित किए गए हैं अमित जानी, उनके माध्यम से प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कैमरामैन से कि इस प्रोग्राम के आयोजन की जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई थी या जिस तरीके से किया जा रहा है आप देखेंगे तस्वीरों में, ये ठीक नुक्कड़ पे यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इस जगह पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो महिला कलाकार है उनको यहाँ पर लाया गया है, उनसे डांस कराया जा रहा है। अब दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ पर जो ट्रैक्टर है, बुग्गिया है, जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हीं में सवार होकर के रैली स्थल पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर उपस्थित होंगे, आ जाएंगे, अपने नेता का ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जो एक चहल पहल है शिवपाल सिंह यादव से पहले, वो अब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, काफी बड़ा ये यहाँ पर जो प्रोग्राम स्थल है वो बनाया गया है, काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी चुनाव में काफी समय है तो ऐसे में सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ी हुई है। लेकिन इस सीट पर अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के विधायक है, इससे पहले सपा के विधायक थे, लेकिन अब जब कांटे की टक्कर मानी जा रही है, भाजपा को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो वो थर्ड मोर्चा जिसको कह रहे हैं वो तीसरा मोर्चा बनेगा, जिसमें शिवपाल सिंह यादव की पार्टी होगी, अखिलेश सिंह यादव की पार्टी होगी और इसके अलावा और जो छोटी पार्टी है लोकदल पार्टी होगी, उसके अलावा छोटी मोटी पार्टियों की अगर बात की जाए तो शामिल होकर इस क्षेत्र में इस सीट पर लड़ने की बात की जा रही है। और अगर तीनों चारों पार्टी इकट्ठा आती है तो शायद इस सीट पर टक्कर की बात सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट पर फिलहाल भाजपा का कैंडिडेट है, वर्चस्व है, ऐसे में देखना यह होगा कि सीट को फतह करने के लिए जो तमाम ये राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि वर्तमान में शिवपाल सिंह यादव ने ताल ठोक दी है। गुड मॉर्निंग जी, हमें फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।